Hi guys and welcome back to my YouTube channel. So guys, as I have told you in my last video that I'm going to share a recipe. So here I am sharing my special chicken biryani. This biryani recipe is beginner friendly guys because मैं भी ज़्यादा cooking नहीं करती हूँ और हम यहाँ पे एक ready-made mother's का chicken biryani mix use कर रहे हैं क्योंकि ये easy हो जाता है नहीं तो biryani बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसीलिए आप ये ट्राई करके देखिए ये बहुत टेस्टी बनता है लेकिन हाँ हम इसमें सिर्फ वो मसाला नहीं डालेंगे हम खुद की तरफ से भी बहुत कुछ डालने वाले हैं सो देखते रहिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हम चिकन को अच्छे से धोकर उसमें वो बिरयानी मसाला दे देंगे और उसमें देंगे थोड़ा सा कर्ड और जिंजर गार्लिक पेस्ट देन थोड़ा सा सॉल्ट भी और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ऐसे तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे सेटल होने देंगे अच्छे से तो उसके दौरान हम कर लेंगे अपने आलू और प्याज उन सबको तैयार मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके करना पड़ता है तो अभी आलू को मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी में मिला रही हूँ एकदम अच्छे से फिर हम आलू को फ्राई कर लेंगे गाइस आलू को फ्राई करते टाइम आप एक ढक्कन लगा दीजिए गाइस ताकि वो अच्छे से थोड़ा सा फ्राई हो जाए मतलब वो उसको पकना भी चाहिए ना इसीलिए और जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो आप उसको फ्राई करते रहिए फिर गाइस हम अपने प्याज को भी एक्स्ट्रा करके फ्राई कर लेंगे ये चिकन में नहीं जाएगा चिकन के लिए एक्स्ट्रा प्याज मैंने रेडी किया है ये हमारे टॉपिंग्स के लिए यूज़ होगा क्योंकि बिरयानी में पुदीना प्याज ये सब भी टॉपिंग्स के लिए यूज़ होता है जो हम ऐसे रेडी कर लेंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके ये वाला चिकन के लिए है प्याज और ये पुदीना टॉपिंग के लिए ये जो टॉपिंग के लिए हमने ऑनियन रेडी किया है उसको हम एक बटन में अच्छे से निकाल लेंगे इसको गोल्डन ब्राउन थोड़ा सा ज़्यादा होने तक आप फ्राई कर लीजिए सो गाइस अभी हम बनाएंगे हमारा चिकन तो एक बड़े से बटन में हम बना रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा बिरयानी ज़्यादा बनाएंगे गाइस क्योंकि हम कल भी खाएंगे ये और हम वेस्ट नहीं करेंगे खाना सो चिकन रेडी करने के लिए गाइस आपको चाहिए मस्टर्ड ऑयल जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे और उसमें हम प्याज डाल देंगे उसको थोड़ा सा फ्राई होने लेंगे फिर हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और गाइस यहाँ पे थोड़ा सा जो लाइटिंग ख़राब हो जाता है ये मुझे भी पता नहीं क्योंकि मैं उस टाइम पे एक हाथ से अपना मोबाइल पकड़ रही थी और मेरा ट्राइपॉड जो है इतना ऊंचा मतलब कवर नहीं करता है सो सॉरी गाइस उसके लिए और वहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ग्रीन चिलीज ऐड किया था उसके बाद जो हमने चिकन रेफ्रिजरेट करके रखा था उसको निकाल लेंगे और उस तेल में दे देंगे गाइस और अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर जब हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका होगा हम उसी बर्तन में गाइस थोड़ा सा पानी लेंगे और उसको चिकन में डाल देंगे गाइस टेन टू 15 मिनट्स बॉईल होने के बाद अच्छे से हम उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल देंगे गाइस और उसके बाद गाइस थोड़ा सा टेस्टिंग कर लीजिए आप क्योंकि वो तो हमको अच्छे ही लगता है यानी कि मुझे और क्योंकि देखिए उसका एक फ़ायदा भी है अगर नमक कम है तो आप उसको डाल सकते हैं तो आप नमक डाल दीजिए गाइस और अभी टाइम आ गया है कि हम अपने आलू को इस चिकन ग्रेवी में डाल दें सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा चिकन ग्रेवी रेडी हो चुका है तो हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे गाइस जो मेरी मम्मी करेंगी हम आधा निकाल के एक बटन में रख देंगे और अभी हम डालेंगे इसमें राइस राइस को रेडी हमने पहले से करके रखा है गाइस राइस आप बहुत इजी है आप उसको 80% बॉईल कर लीजिए लौंग इलायची दालचीनी ये सब डाल के आप राइस को बॉईल कर लीजिए थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए जब वो बॉईल हो रहा हो और उसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दीजिए
फिर 20% जो बच गया है वो अभी हम इसको जो हांडी में ढक्कन देके रखेंगे तब ये बॉईल हो जाएगा, क्योंकि अगर चावल पहले से 100% कुक रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है मतलब बिरयानी में खाने के लिए। अभी कुक हो जाएगा गैस। फिर उसमें हम डालेंगे पुदीना और थोड़ा सा जो हमने प्याज रेडी किया था सबसे पहले वो भी डालेंगे, और डालेंगे इसमें थोड़ा सा रोज़ पेटल्स, ड्राइड रोज़ पेटल्स डाल सकते हैं आप। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा करके चिकन करी थोड़ा सा निकाल के रखा था ग्रेवी, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उससे क्या होगा, पूरे चावल में मतलब आपको चिकन मिलेंगे और उसका ग्रेवी भी पूरे चावल में रहेगा। फिर गाइस दोबारा हम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, चावल डालेंगे उसके बाद हम पुदीना प्याज और रोज पेटल्स फिर से डाल देंगे ऊपर, लेकिन इस बार यहाँ पे हम अपने अंडे को भी डालेंगे। फिर गाइस सब कुछ डेकोरेट करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बिरयानी एसेंस यूज़ कर रहे हैं। आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं गाइस, लेकिन आप हो सके इतना बड़ा समझ में ना हो तब भी थोड़ा सा घी डाल दीजिए गाइस। और यहाँ मेरी मम्मी अपने बड़े समझ से डाले हुए घी को कवर अप करने की कोशिश में है, लेकिन अब जो डाल दिया वो हमने डाल दिया है, क्योंकि गाइस हमको घी पसंद है और मेरी मम्मी को घी खिलाना भी पसंद है हमें, तो इसीलिए हम मोटे मोटे से हैं, गोलू मोलू से हैं, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, घी टेस्टी होता है गाइस, डोंट जज मी। आपको अगर घी पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप कर दीजिए, लेकिन बिरयानी को ढक के 15 मिनट्स के लिए रख दीजिए, उसके बाद बिरयानी रेडी है। सो इसी बात पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।